तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर निकल रहा हूँ अपने वर्किंग के लिए। आज ऑफिस में मीटिंग भी है और कई सारे काम हैं। आज डियर पार्क भी जाना है, तो आज जो भी स्पेशल मूवमेंट होंगे आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिए रेट्रो शावेद ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ ग्रीन पार्क की मार्केट। ये पड़ता है सफदरजंग एनक्लेव का एरिया, सफदरजंग एनक्लेव, और ये मार्केट है BC, और इसके सामने पड़ता है डियर पार्क, जहाँ पर बहुत सारे आप हिरण वगैरह देख सकते हैं। और डियर पार्क के बराबर में ही हैं एक मैडम हैं जो अपना एक छोटा सा होटल चलाती हैं, और ये बनाती हैं ब्रेड ऑमलेट। उसका कोई जवाब ही नहीं है, उसकी चटनी ब्रेड ऑमलेट एकदम गजब होता है और बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह के बनाती हैं, बहुत ही प्यार से और बहुत फास्ट। कब से बना रही हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर 15 साल से बना रहे हैं। 15 साल से? हाँ जी। तो क्या रेट रहता है आपका? 40 रुपया। 40 रुपये जी। 2 अंडों का ऑमलेट रहता है? जी, 2 अंडे का। अच्छा, तो दिन भर में कितने लगभग कर देती होंगी? दिन भर में तो 2-3 ट्रे निकल जाता है। अच्छा, 2-3 ट्रे। और रिपीट कस्टमर आते हैं बराबर? हाँ बराबर, सारे ऑफिस वाले से रहते हैं। ऑफिस वाले? और कुछ बताइए। बस खाना है, रोटी है, सब्जी है, दाल चावल है, चिकन है, अंडा कड़ी है, सब रहता है। सब खाना है। रोटी भी? रोटी है, 40 रुपया प्लेट है। अच्छा। 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है। दाल है, सब्जी। तो ये आपको किस टाइम आ जाते हैं यहाँ पर आप? हम 8 बजे आ जाते हैं सुबह 8 बजे। अच्छा, और कब तक? 10 बजे रात तक रहते हैं। डेली? अच्छा, संडे मंडे सारे दिन? हाँ सारे दिन। बहुत अच्छा। इस तरह से बनाया हुआ है, और ये चटनी जो भी डालेंगे, तो जो चटनी है वो ये देखिए ये है, इसका टेस्ट है सबसे अलग। तो ये बनाती हैं, ये इनका पूरा अपना इस तरह से रहता है, बहुत ही शानदार। छोटा सा रोड के किनारे लगाया हुआ है, डियर पार्क के बिल्कुल बराबर में, और सफदरजंग एनक्लेव मार्केट के सामने एकदम। ये मार्केट है, कोई भी यहाँ पर आए तो सामने आपको ये दिखेगा। असल में मुझे भी ये पता नहीं था, हमारे कलीग हैं इरफान, इन्होंने बताया था कि सर यहाँ पर अंडा और ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा मिलता है, तो आज यही बस आपके सामने शेयर करना था। तो जो भी यहाँ पर आए एक बार आंटी के पास आए ज़रूर ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी होता है। इरफान क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि मैं जब से यहाँ पे आ रहा हूँ, जब भी इस तरफ आता हूँ, तो हफ्ते में 1-2 बार जरूर यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि आंटी के जो ब्रेड ऑमलेट और साथ में चटनी होती है ना, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाता है खा करके। कितनी बार खा चुके हो आप? मुझे तो याद नहीं है, अनगिनत बार खा चुका हूँ मैं, यानी कि हफ्ते में 1-2 बार तो आ ही जाता हूँ। जब भी आता हूँ तो मैं यहीं पे खाता हूँ। बहुत बढ़िया, और अच्छी बात ये है कि पीछे पार्क है, तो वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं, सफदरजंग एनक्लेव डालेंगे। उर्मिला के नाम से यहाँ पर आता है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है? हाँ जी, ऑनलाइन पेमेंट भी। उर्मिला नाम आ गया है हमारा बनके, मेरा और इरफान का, और अब मैंने एक बाइट भी ले ली है इसकी, बहुत टेस्टी है। चटनी जैसे मैंने कहा और सबने कहा लाजवाब है, और अंडा भी एकदम मस्त बनाया है। ये मार्केट है B6 B ब्लॉक। दोस्तों ये मार्केट है B6 B ब्लॉक, और सफदरजंग एनक्लेव की मार्केट डियर पार्क पड़ता है, डियर पार्क के अपोजिट। यहाँ पर ये सब बनाते हैं। अब हमने ब्रेड ऑमलेट तो खा लिया है, अब मस्त चाय पी रहे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। अब चाय बनवाई है, चाय में उसने शक्कर थोड़ी कम डाली, मैंने कहा था मीठा तेज कर देना, वो शक्कर डालने ही भूल गया लगता है, बट चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। तो ये चाय पी के अब चलेंगे सीधा ऑफिस, मीटिंग है आज, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। आज पता नहीं क्या हुआ गला बैठ गया, तो फिर वहाँ पर हमने चाय पी, और उसके बाद सीधा फिर हम गए ऑफिस। ऑफिस में बहुत टाइम लग गया यार, आज मीटिंग भी थी, 2 इंटरव्यू भी लेने थे, तो वहाँ पर मुझे करीब 9:30 बज गए। फिर वहाँ से मैं निकला, अभी घर पहुँचा हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, और अब पहुँच के सबसे मिला हूँ, बच्चों से, तो अब इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है। दोनों बच्चों से मिला, का हाथ भी ठीक हो रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, इसका अंगूठा में जो फ्रैक्चर आया था हेयर लाइन, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ना। पापा फड़न कर लिए। अच्छा।
ना मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल है। अरे उल्टा कर रहा है। इसके पास एक हाथ जाता है, वो है ये। अरे भाई ये खुल भी जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है पापा, पापा 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 नहीं। अच्छा और नान खटाई खा रहे हैं। हाँ मैं इन बच्चों के लिए नान खटाई ले आया था, तो वो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और चलो। एक चीज तो मैं नोटिस करना ही भूल गया, क्योंकि मेहरान का चश्मा टूट चुका था, व्हाइट कलर का था, और अब ये इनका ब्लैक चश्मा आ गया है। ये मेरे पीछे इनकी मम्मी गई थी और वो शॉप से चेंज करा के इसको नया बनवा के ले आई, तो मेरा जाना बच गया। इनकी मॉम ने ये काम कर लिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए सरप्राइज ही था एक तरह से। पैसे कैसे बच गए? पैसे तो चश्मा फ्री का थोड़ी आएगा, पैसे तो लगेंगे ही। मैं समझा कि माम के पैसे थे, आप माम को देते ना। लो सब लो। पापा मोबाइल ले लिए। चलो भाई ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिए। इधर का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। गुड बाय।